क्या आप भी अपने हाथ पैरों में इंस्टेंट ग्लो लाना चाहते हैं? आपको सनबर्न हो गया है या फिर आपकी बहुत ज़्यादा टैनिंग आ गई है और समर में आपके बहुत ज़्यादा टैनिंग आ ही जाती है धूप वगैरह से? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा DIY है जो आपकी स्किन को एकदम ग्लो कर देगा, वो भी कुछ मिनटों में, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट से जो आपके घर में इजी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है कर्ड यानी कि दही। आपको 2 से 3 चम्मच दही ले लेना है। दही जो है बहुत हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होता है। दही में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और नेचुरल फैट्स होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन में ग्लो लाने का भी काम करता है। ये मैंने घर का दही लिया है। आप चाहें तो आप मार्केट वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो इसमें ऐड करूंगी मैं, वो होने वाला है हमारा लीमन। हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह हमारे हाथ पैरों के कालेपन को दूर करने में मदद करता है, हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइटअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं 1 चम्मच इसमें लीमन का जूस ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। लीमन और कर्ड, यही हमारे 2 इन्ग्रीडियंट होने वाले हैं जो कि हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करने में हेल्प करेंगे। ये हमारा DIY एग बनके तैयार हो गया है। अब मैंने लीमन ले लिया है, इसमें से जो जूस निकाला तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। मैंने इसका छिटकल सा ले लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कर्ड को ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर लिया है। अब मैं इसको आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके बताऊंगी। आप इसे अपने हैंड पे, पैरों पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आप, मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आपको इसे अपने हाथ पे अच्छे से अप्लाई करना है और इसको आप सर्कुलर मोशन में आप इसको अच्छे से अपने हाथ में अप्लाई करेंगे। आपको इसे 5 से 7 मिनट तक अपने हाथ पे अच्छे से रब करना है, और मतलब तेज रब नहीं करना है, आप सॉफ्टली इसको रब कर देंगे ताकि इसमें जो आपके हाथ पे जितने भी डस्ट, धूल मट्टी है, आपके हाथ पे टैनिंग है, वो सब रिमूव हो जाएगी। आपको इसे अच्छे से रब करना है अपने हाथों पे। आपको बेस्ट रिजल्ट आपको इसे एक बार में ही इस्तेमाल करने से पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कहीं शादी पार्टी में आप जा रहे हैं, आपके हाथ एकदम क्लीन नहीं है, मैनीक्योर पेडीक्योर भी नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे 5 से 7 मिनट में अच्छे से अपने हाथ पैरों को क्लीन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको वॉश कर लिया है और मेरे हाथ कितने अच्छे से एकदम ग्लोइंग करने लग गए हैं, सॉफ्ट से मेरे हाथ हो गए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।